नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चुनावी गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज काशी में रैली करके अपने इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने 8 महीने के बाद गुरुवार को यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंच करके एक तरह से चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये उनका दौरा सरकारी है। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई है। मोदी ने काशी में योगी सरकार की जम करके तारीफ की है, तो विपक्ष और पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा है। वहीं विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। 16 जुलाई को यानी कि कल प्रियंका गांधी यूपी पहुंच रही हैं। इसके अगले ही दिन यानी कि 17 जुलाई को वो महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली हैं। कांग्रेस महंगाई युवाओं के मुद्दों पे लगातार हमलावर है, अटैकिंग उसके तेवर दिखाई दे रहे हैं। सपा ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बसपा में भी बैठकों का दौर शुरू है। यूपी में विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाकी हैं अभी, और इन 6 महीनों में यूपी की सियासत को बदलने के लिए पीएम मोदी के लगातार दौरे हो सकते हैं, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। पार्टी के राजनीतिकारों ने यह तय किया है कि यूपी सरकार की बड़ी योजनाओं के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और JP नड्डा जैसे नेताओं को बुलाया जाए। यूपी सरकार सूबे में 4 बड़े एक्सप्रेस वे बना रही है, इनमें 3 बतीजी से काम चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन भी कर सकते हैं। हम एक नज़र इन एक्सप्रेसवे पे भी ज़रा देख लें क्या हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में अलग अलग एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है और बीजेपी कोरोना के मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है, और बीजेपी का फोकस यूपी में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करके चुनाव के साम के मद्देनज़र चुनाव को देखते हुए इनको जनता के बीच में इनकी चर्चा करानी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने वाला है। वहीं बुंदेलखंड वे का एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है वो लगभग 66% पूरा हो चुका है, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद गोरखपुर से लखनऊ आने जाने के लिए भी एक मार्ग तैयार हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीनों का अधिग्रहण तेजी से हो रहा है और जुलाई के अंत तक बेनामे और भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ भी एक तरह से काम शुरू हो जाएगा। एक जो सबसे खास बात यह है कि यूपी में सारे विरोधी भी पूर्वांचल में अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छोटे दल के साथ ओबीसी भी पूर्वांचल को अपना केंद्र बना चुके हैं। ऐसे में पार्टी एक बार फिर से मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी में पूर्वांचल के अपने सबसे विश्वस्त साझेदार अपना दल को एक बार फिर से अपने विश्वास में ले लिया है उन्होंने, और अनुप्रिया पटेल को इसीलिए मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन पूर्वांचल में से आने वाले संजय निषाद फिलहाल नाराज हैं, नाखुश हैं। भागीदारी मोर्चा के बैनर तले ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ी जातियां हैं। बीजेपी के खिलाफ बन रहा गठबंधन भी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ताकतवर होकर के उभर रहा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर उनके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें पंचायत चुनाव के दौरान जो भी धांधलियां हुई हैं, इवन जो अध्यक्ष पद हैं उनके लिए भी जो धांधली हुई, जो पुलिस ने ज्यादतियां की हैं, इसके साथ साथ एक महंगाई का मुद्दा भी है जिसपे बात होगी, जिसपे धरने प्रदर्शन होंगे। सड़क की राजनीति करने के लिए जाने जाने वाली सपा काफी समय के बाद अपने पुराने तेवर में नजर आ सकती है। सपा आंदोलन के माध्यम से सड़क पर दिखेगी, साथ ही समाज के अन्य वर्गों को भी अपने साथ लेगी। इसके लिए अखिलेश यादव ने लगातार अपना इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया है। मसलन अंदर खाने उत्तर प्रदेश के अलग अलग लघु इंडस्ट्रीज से जुड़े संगठनों के साथ भी उनकी मीटिंग हो रही है, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से सक्रिय ना रहने वाले सपा के स्टूडेंट्स और नौजवान विंग भी एक्टिव हो गए हैं। वो जो इकाइयाँ
लगभग इनएक्टिव थी, इस समय वो फिर से वो एक्टिव हो गई हैं। इनमें कैंपस और युवाओं के सवाल पर सरकार पर हमला करने की तैयारी है। सपा के वरिष्ठ नेता ने ये एक संकेत दिया है कि मुखिया अखिलेश यादव भी प्रदेश का दौरा करेंगे। और मोदी के जाते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 16 जुलाई को लखनऊ आ रही हैं। प्रियंका इस बार खुद पूरे कैंपेन को लीड कर रही हैं। 17 को यूपी कांग्रेस की महंगाई के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में वे शामिल होंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि प्रियंका गांधी खुद सड़क पर दिखाई देंगी और इससे पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा मैसेज जाएगा। कांग्रेस इस बार पूरा चुनाव प्रियंका के चेहरे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि पार्टी कार्यालय में तैयार होने वाले कई पोस्टर में राहुल और सोनिया की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के 2017 के मैनिफेस्टो के वादे को भी जनता को याद दिलाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से चुनाव की जो एक गर्माहट है वो महसूस हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है और चुनावी मौसम भी चेंज हो रहा है। फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।